नमस्कार दोस्तों, फाइनली EMI का जो ट्रिमर है वो आ चुका है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये जो मॉडल नंबर है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, EMI ब्लेड ट्रिमर 1C एंड इसका जो बैटरी बैकअप है ये है 60 मिनट का एंड सेल्फ शार्पिंग ब्लेड भी है, ये एडजस्टेबल 20 लेंथ सेटिंग है। तो चलिए इसको बॉक्स को ओपन करते हैं एंड क्या क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करना होगा। इसको साइड में रखते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले मिल जाता है एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल, जिसके साथ इसको चार्ज करना पड़ेगा एंड काफ़ी लंबा है। ठीक, उसके बाद मिल जाता है ये वाला एक ब्रश, जिसका क्वालिटी शायद अच्छा ही है। ठीक है, एंड फिर इसके बाद मिल जाता है एक कवर। ठीक है, इसका एक ब्रांडिंग भी है EMI का, बट इसका जो क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, एकदम सॉफ्ट है। ठीक है, आप देख पा रहे हो एंड इसको जो ऐसे करके इसको बंद भी कर सकते हो एंड इसको ओपन भी कर सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छा एक कवर इसके साथ दिया है एंड उसके बाद फाइनली मेन पार्ट की तरफ आते हैं। एक यूज़र मैनुअल, ये आप कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हो, ये इसके लिए एक यूज़र मैनुअल दे रखा है। एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं ट्रिमर की तरफ। ठीक है, इसका फर्स्ट लुक ऐसे आप देख पा रहे हो, इसके साथ आप ठीक है ट्रिमर को कंट्रोल कर सकते हो। देखिए ये इस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फिर ये देखिए ये चार्ज जो है चार्जिंग इंडिकेटर है, 1, 2, 3 लाइट एलईडी लाइट आप देख पा रहे हो। ठीक है, आप ऐसे करके प्रेस ऑन ऑफ, ठीक है आप ऐसे करके छोड़ दीजिए ये चलते जाएगा। ठीक है, फिर इसके तरह आते हैं EMI का ब्रांडिंग एंड ये जो है ये चार्जिंग पोर्ट है, देख पा रहे हो माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है, इसी तरफ से आप चार्ज कर सकते हो, आप इसे बंद भी कर दे सकते हो। ठीक है, फिर ये जो पार्ट है ये आप खोल सकते हो ऐसे। ठीक है, और ब्लेड की तरफ आप देख पा रहे हो, देखिए ये जो है ब्लेड आप इसे ओपन कर सकते हो, ये ओपन हो गया, ऑन हो गया। सो ये था EMI का ट्रिमर, जो कि बैटरी बैकअप कैसे देता है ये मैं आपको और एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपके साथ वो जो बैटरी बैकअप है वो आपको साथ शेयर करूँगा। एंड आप भी कमेंट करके बता सकते हो आप कौन सा कंपनी का ट्रिमर यूज़ करते हो। सो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।